यानी आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है एंड यू वांटेड टू रिपोर्ट, सो प्लीज टेल मी। हाँ, मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है, जो उसमें मैंने बैंगलोर का जो मेरे पास जो इन्होंने पुलिस स्टेशन दिया था, जो साइबर क्राइम से जो नंबर आता है ना पुलिस स्टेशन, जो उन्होंने मुझे रेफर किया था वो राजस्थान का किया था मुझे, और राजस्थान में मैं हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी ट्रांसफर वो बैंगलोर में, उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया। ये फालतू की बात कर रहे हैं। फ्रॉड जो है साइबर स्पेस में होता है, और चूंकि आप जहां हैं वहां पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, तो जो बेंगलोर पुलिस ने कहा है कि उसे राजस्थान भेजेंगे, यह है हाँ, शुद्ध दुष्टता है, ये अवैधानिक कार्रवाई है, ये वैधानिक कार्रवाई नहीं है, ओके। क्योंकि अपराधी की लोकेशन कहीं रहे, वो आपके साथ तो फ्रॉड बेंगलोर में कर रहा है, तो उसकी हाँ रिपोर्ट बेंगलोर में होना चाहिए थी। हाँ 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 सर, वो बैंगलोर ट्रांसफर करवा दिया है, बट मेरे बेंगलोर पास कुछ अपडेट, हाँ, राजस्थान ने पुलिस पुलिस जो जो राजस्थान की पुलिस है ना, उसने बैंगलोर में ट्रांसफर कर दी है वो मेरी ठीक किया उसने। आपने पुलिस रिपोर्ट स्टेशन। कहाँ किया था? वो रिपोर्ट मैंने ऑनलाइन साइबर क्राइम पे साइट पे किया था। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया था या बेंगलोर को, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को किया था, किसको रिपोर्ट किया था आपने? गवर्नमेंट की जो साइबर क्राइम का वो साइट है उस पे किया था मैंने। gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक हाँ, डॉट है। गवर्नमेंट हाँ, डॉट इन, हाँ उस पे तो किया था। उससे जो है अपराधी कहीं भी बना रहे, वो आप जहां पे हैं उस लोकेशन पे उसको ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ हुआ है, हाँ, और फ्रॉड तो हमेशा साइबर स्पेस में ही होता है, राइट? तो अपराधी की लोकेशन कोई मायने नहीं रखती है ना? सर, सर प्रॉब्लम ये हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर कर दिए बट बैंगलोर की पुलिस या कोई मुझे कुछ ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं कर रही है, या FIR के लिए, या कुछ 6 दिन आप हो एक गए काम अब। करिए कि उसके पूरे डिटेल लेके जो वहां पे डीसीपी होंगे उनसे जाके मिलिए, और उनको रिपोर्ट करिए कि साहब ऐसा ऐसा है, ये FIR आपके पास आई है, और जो भी आपके पास कंटेंट है उन्हें शेयर करिए, और उनको बताइए कि साहब इसको पकड़ा जाए, राइट? आपके ओके। साथ वो फ्रॉड कैसे हुआ था? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मैं ट्रैप हो गई थी नहीं एक्चुअली नहीं 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 वो। आप इसको इस ढंग से नहीं बताते हैं, उसको बताएं कि उसका फोन आया था, फिर उसने ऐसा कहा, फिर हमने ऐसा कहा, हमने ये समझा। भाई देखिए, साइबर क्राइम में हमेशा मूर्ख बना के कार्रवाई की जाती है, राइट? और मूर्ख बनाने के लिए रोज मुद्दे बदलते रहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। एक मुझे आया कि साहब टाटा का जो है, मैं इंश्योरेंस ग्रुप से हूँ फलाना, मैंने कहा भाई मैंने टाटा का इंश्योरेंस ही नहीं लिया है। हाँ हाँ नहीं, मेरे पास पूरा है सब कुछ, मेरे पास जो मेरे साथ हुआ है कांटेक्ट, मेरे साथ बातचीत जो है वो टेलीग्राम से हुआ है उनसे मेरा। तो मुझे पहले उन्होंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था कि आपका नंबर हमें कोई करियर की वेबसाइट से मिला है, ऐसा ऐसा है, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे आगे की जो कांटेक्ट, हमारी जो बातें हुई है पूरी कंजर्वेशन हुई है वो टेलीग्राम में हुई है, फिर पूरी चैट और सबका ट्रांजेक्शन मेरा जो हुआ पूरा है मेरे पास डिटेल। ओके। तो मुझे वो है कि नहीं 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 अगर नहीं उन्होंने आपको मूर्ख कैसे बनाया, उन्होंने क्या लॉजिक दिया, फिर आपने उसमें क्या ओटीपी शेयर किया, क्या शेयर किया, नहीं क्या? नहीं हाँ नहीं उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम, एक्चुअली मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, तो मेरे पास जॉब था नहीं, मुझे नीड था जॉब का। तो उन्होंने कहा कि आप ये लिंक है, इस लिंक को आप लाइक कीजिए, 3 लिंक है यूट्यूब का, उसको लाइक कर दे, आपको आपके अकाउंट में 150 रुपीज आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हुआ, मतलब मेरे पास 150 मेरे अकाउंट में आ जाते थे। तो उन्होंने कहा आपको ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट नहीं, कंप्लीट आपके करने होंगे। अकाउंट में तब आएगा जब आप अकाउंट नंबर और डिटेल देंगे। तो आपने हाँ, इसका मैंने मतलब है उनको आपने अकाउंट नंबर और अकाउंट डिटेल नंबर उनको ठीक किया है, उनको दिया, हाँ शेयर किया, किया, हाँ और शेयर फिर किया, आपके अकाउंट में 150 रुपीज आ गए, फिर क्या हुआ? आते थे। फिर बाद में उन्हें, उनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट थे कि आप 3,000 रुपये जमा करवाएंगे तो आपके पास 30% कमीशन मिलेगा आपको। 30% कमीशन मतलब जैसे आपने 3,000 कराया तो आपको मिल जाएगा 4,500, 4,050 आपको मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ, तो मैं वैसा भी 3,000 जमा करा देती थी, फिर मेरे पास 4,550 रुपये मेरे पास कमीशन आ जाता था, ऐसा कुछ हुआ। तो ये सब होते 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 तो मतलब मैंने उनको बिग अमाउंट ट्रांसफर कर दी, समथिंग 80-25,000 और ऐसा कुछ मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। तो उन्होंने कहा था आपको 30% आपको मिल जाएगा, और मैं ट्रैप हो गई, तो मेरा अमाउंट सारे चला गया। ओके ओके सब ओके 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 तो इसका मतलब है कि पहले छोटी छोटी जो है ना गुठलियां बांटी गई, और बाद में जो जब आप फंस गई तो उन्होंने उस अमाउंट को जो है ना, फिर इसके बाद वो चुप हो गए होंगे।
हाँ वो गायब हो गए कि उन्होंने कहा आपने और जमा करवाने पड़ेंगे तभी आप पूरा निकाल सकते हैं, तो वो तो ट्रैप कर लिया, वो तो पॉसिबल नहीं था, मेरा अकाउंट ऑलरेडी खाली हो चुका है हाँ इसलिए। हाँ ओहो, तो ये तो देखा जाए तो शुद्ध दुष्टता है, लेकिन आपने ठीक रिपोर्ट किया है और ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके अकाउंट से जो है वो पैसा, क्योंकि आपने भी पैसा उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर किया होगा। हाँ, उन्होंने मुझे काफी सारी, उनकी बहुत सारी थी ये लोग, उन लोगों का ग्रुप होगा ये, बहुत सारे इन्होंने ग्रुप बना रखा है, सबके साथ फ्रॉड करते होंगे। हाँ तो इन लोगों ने क्या है, इनकी खुद की यूपीआई आईडी थी, बहुत सारी 5-6 यूपीआई आईडी थी। यूपीआई हाँ आईडी से मैंने कुछ कुछ अमाउंट यूपीआई में भी किए और कुछ कुछ बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी हुआ है। ओके, तो वो आप सबका डिटेल देके, और वो हाँ आकार आसानी से हो सकता है बेसिकली हाँ ये, क्योंकि इसमें इट इज ए फ्रॉड करने के लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ठीक है ना। तो 420, 406, 409 इस तरीके की धाराएं इसमें आईबीसी की लगेंगी, और आई थिंक ये इसको डिटेक्ट करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए। केवल जो है इस क्वेश्चनों की वहां पहुंच के उसको अरेस्ट वरेस्ट करें और रिकवर करें, दैट इज द ओनली थिंग। और उसके जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनको वो सीज करा सकते हैं उनको, जिससे कि वो उसको पैसे को बाहर ट्रांसफर ना कर ले। तो वो सब काम पुलिस आसानी से कर सकती है, केवल अपने साथ प्रॉब्लम ये है कि पुलिस सुनने के तैयार हो जब ना जब, नहीं, क्योंकि राजस्थान की पुलिस तो बिल्कुल सुन नहीं रही मेरी बात। मैंने कहा मैं उनको मैटर भी नहीं, एटलीस्ट आप मेरा मैटर सुन रहे हो, क्या प्रॉब्लम हुआ है। उन्होंने मेरा मैटर तक नहीं सुना था कि क्या है क्या नहीं है। वो आपकी बात क्यों सुनेंगे, क्योंकि आप गुलाम हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि आप गुलाम हैं। क्या समझ में आया आपको? गुलाम है नॉट पॉसिबल आप कि एक गुलाम बार। कैसे हैं आपको मालूम हाँ है? आपके राजनेताओं ने आपके ऊपर वही पुलिस थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य चलाने के लिए बनाई थी, और पूरी वही व्यवस्था थोपी हुई है। तो हमारे दुष्ट नेताओं ने वो व्यवस्था हमारे ऊपर यथावत थोप के रखी है, और अपने कुसंस्कारित बच्चों को भी अभी आपके ऊपर थोप देंगे वो। तो अब जो है इसको तो आप लड़िए ही लड़िए। मैं तो आपसे कहूंगा कि क्राइम फ्री भारत से जुड़कर उसका चंद्रगुप्त बनिए, और इन सभी दुष्ट नेताओं को पराजित करके एक अच्छी सी व्यवस्था लाइए, जहां पे आपको जो है अपनी रिपोर्ट करने थाने ना भटकना पड़े, जहां जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो समय सीमा में होके आपको न्याय मिल जाए, ऐसी व्यवस्था तो आप चाहेंगे कि जमीन पे उतरना चाहिए, चाहेंगे ना। मैं आपको क्राइम फ्री भारत का जो है ना एक लिंक भेजता हूँ, उससे आप जुड़ जाइए और ओके। अपने लोगों में संगोष्ठी करना चालू करिए। यदि आप ऐसा कर पाए तो आप इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। बिना राजनेताओं को पराजित किए आप नियम कानून और व्यवस्था नहीं बदल सकते बदल हैं। सकते हैं। तो ये तो 80,000 1 लाख रुपए चला जाना मतलब आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन ये तो आपकी जिंदगी को नारकी बना के रखे हैं। सही बट वो तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए, यामिनी जी, मैं आपसे बात अनुरोध करूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत लिखिए YouTube चैनल पर, है। ओके राइट। और हाँ हाँ क्राइम फ्री ओके। भारत पे आपको हमारे 2300 से अधिक वीडियोस मिलेंगे कि कैसे ये भारत देश बदल जाएगा, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। और जो भी मेहनत करेगा वो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री भी बन सकेगा। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत खुद करता है। मुझे लगता है कि आप पीड़ित हैं तो उसको तो आप देखिए देखिए, साथ में भी आप ये करेंगे तो ये दुष्ट राजनेता पराजित होंगे, नियम कानून व्यवस्था सब बदल जाएगी, और आगे चल के साइबर क्राइम करना तो संभव ही नहीं होगा। मतलब जो है जैसे ही कोई चीज सस्पिशियस होगी और आपने बटन दबा दिया तो बैकएंड इंजन सब चीज जो है ना वो सेव करना चालू कर देगा, हैश वैल्यू से लॉक कर देगा, और उस एविडेंस के साथ ना केवल रिपोर्ट कर देगा बल्कि 45 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। हमें ऐसी पावरफुल व्यवस्था लाना चाहिए। तो मैं चाहूंगा यामिनी जी कि आप बात को समझे, मैं आपको लिंक भी भेजता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजता हूँ। क्यों, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, हाँ सर किससे बात कर रहे हैं आप? मैं तारीख चल
मैथिली शरण गुप्त से बात कर रहे हैं, हाँ जी जो कि फॉर्मर डीजीपी रहे हैं 7 साल तक, राइट। और हाँ मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन अब इस उद्देश्य से चल रहा है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए नई व्यवस्था स्थापित कर दी जाएगी। तो जी यामिनी जी, आप चंद्रगुप्त या अवंतिका बनने के लिए तैयार हैं? हाँ सर जरूर बनना चाहिए, जरूर हाँ बनना सर चाहिए। बिल्कुल मात्र 399 दिन रह गए हैं चुनाव होने के लिए। आपको मेहनत करना पड़ेगी। यदि आप मेहनत करेंगी तो स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकेंगी। ये बिना 5 पैसे खर्च किए व्यवस्था है। हाँ, हाँ उसको सर आप समझिए, जुड़िए और अपने सभी मित्रों को, घर के लोगों को, सभी को जोड़िए उसमें। हाँ मैं हाँ जब एक बिल्कुल बार आप कुछ वीडियोस देख लेंगी तो आप मुझे दोबारा फोन करेंगे तो मैं आपको फिर से गाइड करूंगा, ठीक है ना। हाँ सर सर यहां सर तक रही आपकी अपनी समस्या और पुलिस की बात, तो पुलिस को ये कार्रवाई करना चाहिए और बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब लेकिन सवाल ये है कि आप उनकी प्राथमिकता में नहीं आते हैं, और ये अंग्रेजों की पुलिस है तो नेताओं को साधेगी, ये नेताओं के आदेश का पालन करेगी, आपके लिए उनके पास समय कहाँ है, ठीक हाँ सही बात है है ना। चलिए, मैं फिर भी अपेक्षा करता हूँ कि बेंगलोर पुलिस फिर भी बाकी पुलिस से बेटर है, वो आपकी मदद भी करेगी, राइट। और बाद में यदि आपको और कोई मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने स्तर पे आपकी मदद करने की कोशिश भी करूंगा, राइट। लेकिन हाँ मैं ये सर चाहूंगा कि मर्ज है इसका स्थायी निदान करो। इसका हाँ स्थायी निदान है ये कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता दुष्ट हैं, इन्हें पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित करना होगी और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल आपको और कुछ नहीं कहना हो तो फिर मैं इस बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। हाँ सर ये आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये बात बोली कि आप इतना कठिन काम नहीं साइबर का, बट आगे वाली हमारी राजनीति चेंज होगी तो हम लोग का इतना जल्दी हम लोग सब आपने कहा कि ब्लॉक कर सकते हैं और इतना जल्दी आगे हम लोग आगे का चल के किसी की चेक जो है बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत में हर व्यक्ति हाथ को काम होगा, उसे रोजगार के नाम से भटकना नहीं पड़ेगा। भारत का हर व्यक्ति निरोगी, दीर्घायु और समृद्ध भी होगा। ये आज आप जो है यदि बुरी व्यवस्था अवस्था में हैं तो उसके लिए दुष्ट राजनेता जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के, अंग्रेजों ने जो नियम भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वो सब नियम आपके ऊपर यथावत थोप के रखे हैं। ये व्यवस्था जिसकी ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि संज्ञान ले, अपराधियों को पकड़े, वो आपको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था जिन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। तो अब एक ही सरल रास्ता है, 399 दिन का ही केवल काम है ये। इस समय जो है लोगों को जोड़ो, अपने परिवार वालों को जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को जोड़ो, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ो, युवाओं को जोड़ो, विद्यार्थियों को जोड़ो, सहेलियों को जोड़ो, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ो, समाज सेवी संगठनों को जोड़ो, और स्वयं चंद्रगुप्त बन के जो है ना आगे सांसद, विधायक भी बनो और मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनो। जो जितनी श्रद्धा से भिड़ेगा उसे वो चीज मिलेगी। यदि आप बिल्कुल एक सिविल सर्विसेज में या किसी बड़े एग्जामिनेशन में यदि आप काम करना चाहते हैं तो उसकी सफलता के लिए आपको मेहनत करना होगी। लिहाजा इसमें भी चंद्रगुप्ती शपथ रखी गई है, आपका जो स्तर और क्षमता हो उस शपथ को लीजिए, और इसमें केवल एक ही काम करना है कि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाना है, बात करना है, जोड़ना है। और इसकी जो ऐप है, इस ऐप हाँ की जो लिंक में आपका जो है, आपको अपनी आईडी मिलेगी, उसको कॉपी अच्छा करके आप शेयर करेंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाएगा, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। और 100 लोगों को जोड़ने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो यदि कोई संसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो फिर उसे अपने मोहल्ले में जो जा जाके बैठना चाहिए, लोगों को जो है ना के साथ बैठ के चाय पीना, उनको जो है ना वीडियो दिखाना, ये दिखाना, और उनको जोड़ने की अपने ही लिंक से, अपने ऐप से उनको जोड़ा जाए और उन्हें
ऊर्जाकृत किया जाए, संकल्पित किया जाए, शपथकृत किया जाए। तो आप इसको जरा अच्छे ढंग से समझ लीजिए, इसके बाद फिर आप द्वितीय लेवल की बात आप हमसे सेकंड राउंड में कर सकेंगे। हाँ सर, चलो राइट, आप सेंड कर दीजिए मुझे, जी देख जी लूंगी। चलिए राइट। यामिनी, हाँ, पूरा नाम क्या है आपका? यामिनी राहुल है, यामिनी राहुल, राहुल है, राहुल है, राहुल राहुल है। रे। यू आर हाँ, महाराष्ट्रियन? नो नॉट महाराष्ट्र, राजस्थानी है, हम हाँ लोग हाँ कुमावत है, अच्छा, यू आर कुमावत, कुमावत या ये हम लोग की गोत्र है, राइट। ये जो राजस्थान। हमारी वार्तालाप हुई है ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी होगी, तो आप अच्छा, वहां पे सुन सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। आप बेंगलोर पुलिस से भी इसको शेयर कर सकते हैं कि डीजी साहब ने ऐसा कहा है, ठीक है ना? चल चल, ओके, चलिए कर सकते चलिए हैं, चलिए, गॉड ब्लेस ओके, यू, थैंक गॉड ब्लेस यू। यू सर।